हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टी फैक्ट्री उधमपुर से। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। एक्चुअली हमारा प्लान था मचेल जाने का, बट कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से अब हम मचेल नहीं जा रहे, अब हम कहीं और जा रहे हैं। द डेस्टिनेशन इज़ भदरवा। अभी पता नहीं है, पक्का नहीं है वैसे, बिकॉज रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं, बट भदरवा जा रहे हैं। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग शुरू हुई है नई, तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करेंगे। और अगर पानी, जैसे कल बारिश हुई थी तो पानी का बहाव थोड़ा तेज़ हो गया है, अगर पानी ठीक होगा तो हम वहाँ पे राफ्टिंग भी करेंगे, और बाकी जो भी हो सके भदरवा में एक्सप्लोर करने वाला वो करेंगे। मिलते हैं गाड़ी में। मतलब मैंने सिर्फ ये पेज खोला, हमने डायरी खोली। गाइज, अभी हमें बग्गर में, यहाँ पे एक ढाबा है शर्मा वैष्णो ढाबा, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जब आप जम्मू से भदरवा जाओगे, तो जो लास्ट दुकान आएगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में शर्मा ढाबा। यहाँ के राजमा चावल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो जब भी आप भदरवा जाओ तो मस्ट ट्राई। तो अभी खा के मिलते हैं आपसे। बाकी राजमा में घी देख लो, ये सारा घी है, ठीक है, आधे खा लिए मैंने, तो मिलते हैं। भाई देखो, तुम्हें दिखाने के लिए हमने एक और हाफ प्लेट मंगाई है। आप ये घी देखो, ये देख रहे हो, भर भर के घी है। सो गाइस, पहाड़ों में आए और चाय नहीं पी, इजंट इट पॉसिबल? तो चाय के साथ हम मट्ठी खाते हुए, और मिस्टर नागर आपको चाय का स्वाद और जरूर बताएंगे कैसा लग रहा है। यार दालचीनी डाली यार, मट्ठी खत्म हो गई है, नहीं तो आपको टेस्ट कराता। बड़ी अच्छी मट्ठी है यार, अपनी वाली चाय मट्ठी, अपने मुंह की चाय मट्ठी। आगे गाड़ी मुंह की वही समझ लो सारे, तेरे में जाएगा यार, दोनों में डाल देंगे यार। क्या तेरा मेरा, क्या तेरा, जब साथ आए तेरा मेरा क्या होता है, है गाइस, होता है तेरा मेरा कुछ? इस व्लॉग में, इस ट्रिप में इन्होंने मेरे को एक ड्राइवर के साथ साथ एक सफाई वाला भी बना दिया, तो देख रहे हो आप कितनी मेहनत की जाती है एक व्लॉग को रेडी करने में, और कितना ज़्यादा टास्क होता है। लोग सोचते हैं व्लॉग ऐसे बन जाता है। सो गाइस, सब यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये है शर्मा वैष्णो ढाबा, यहाँ से आखिरी दुकान है ये जब आप भदरवा की तरफ जाओगे। और ये आपका पैरा निपुण नागर गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। सारे शीशे मैंने साफ़ कर दिए ताकि एक अच्छे फ़ोटोज़ एंड व्लॉग बन सके, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपकी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था कि व्यूज़ की हम मतलब पहाड़ों की फ़ोटो या रोड की फ़ोटो नहीं डालते, तो इस बार वो हम कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम। सो अब हम पहुंच चुके हैं भदरवा, और टाइम हो गया है 6:18 PM एंड दिस इज भदरवा। कल वी विल गिव यू द बेटर लुक एंड सो गाइस, बात ऐसी है, होटल आप मेरे पीछे देख रहे हो, होटल इज़ वेरी गुड। भदरवा के हिसाब से ऐसा होटल नहीं मिलेगा कहीं पे भी, बट द प्रॉब्लम एक छोटी सी यही आ रही है कि हमें चाहिए था एक बालकनी वाला रूम, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं भैया से, अगर बालकनी वाला रूम हो जाता है तो वेल एंड गुड। सो गाइस, रूम हमने यहीं पे ले लिया होटल ताज रिजॉर्ट में, तो इसके बाद हम सामान रख के रूम में फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा सा सामान लेने आए थे खाने पीने वाला, जो कि भाई के हाथ में है। यहाँ पे बहुत अच्छा, आपको अगर सामान लेना हो अल खालिद करके है, जो कि मेन बाज़ार से आगे जाके होगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको भदरवा में। आपको जो कुछ चाहिए होगा यहाँ पर वो आपको इस स्टोर में मिलेगा, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो भदरवा में बेस्ट दुकान है अल खालिद, अगर आपको कभी भी लेना हो तो आप इधर आ सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि अब हम अपना सारा सामान वगैरह लेके आ गए हैं, होटल जो है हमारा आपके सामने है, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन भदरवा आई कैन से। तो अब यहाँ से कवर करके हम मतलब अपना थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपसे डिनर के टाइम पे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा खाना वगैरह आ गया, ये रोटी, ये पनीर, वो दाल एंड वो रूम, और ये आपका। सो अब खाना खा के वी विल स्लीप, तो अब सुबह मिलते हैं आपको मॉर्निंग में विद सम गुड व्यूज एंड पैराग्लाइडिंग करते हुए एंड अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हुए। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, डिनर ख़त्म हो गया,
अब सुबह मिलते हैं आपसे। तो भैया ने लास्ट में हमें एक स्वीट डिश दी थी कढ़ाया, तो इसको ख़त्म करके आपको सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, अब सो जाओ, तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, बिकॉज घर से पेस्ट वगैरह लाना भूल गए थे। तो अभी बाहर जाएंगे, सामान लेके आएंगे जो छोटा छोटा। सो गाइस, डे टू, और हम हैं इस टाइम पे ताज रिजॉर्ट में, रात को जहाँ पे स्टे किया था। अब यहाँ से थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, वी आर गोइंग टू मचेल, बिकॉज हमारे साथ जो बंदे आए थे, जो हमने बंदे जोड़े थे, निपुण नागर, सनी जी, इन्होंने एंड मौके में सारा प्लान ही चेंज कर दिया। तो नाउ वी आर गोइंग टू पाडर साइड। और दूसरी मेरे को जो बात करनी थी कि हम यहाँ पे आए थे मेन पैराग्लाइडिंग के लिए, बट जो पैराग्लाइडिंग का रेट था, दैट्स टू हाई फॉर मी। सो उसी की वजह से हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना हो सकता है कि पैराग्लाइडिंग हम भीर जाके कर लें, वो हमें सस्ता पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंडली ये है कि अगर आप कभी भी भद्रवाह हो, तो आई विल से कि वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ताज रिजॉर्ट करके, ये आपको, सर ये कहाँ मिलेगी आपको? ये यूनिवर्सिटी है ना सामने? कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी कैंपस भदरवा से थोड़ा सा नीचे जाके आपको ताज रिजॉर्ट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ स्टे करने आना चाहें तो आप आ सकते हैं। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन भदरवा। सो अभी यहाँ से निकलेंगे, रैप अप कर दिया है। खाना बहुत अच्छा था, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। सो अगर आप कभी भदरवा आए तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। एंड अब यहाँ से हम जाएंगे गुप्त गंगा, वहाँ पे नहाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू मचेल माता। अब हम जा रहे हैं किश्तवाड़ मचेल की तरफ। तो पैराग्लाइडिंग हम भदरवाह में नहीं कर सके, तो अभी हम जा रहे हैं। तो जो हमारे पीछे भाई बैठे हैं सन्नी जी, इनके कोई कज़न ब्रदर कह रहे हैं कि हमने भी जाना है मचेल, तो हम उनको पिक करेंगे यहाँ से। एंड अब निकलेंगे हम मचेल की तरफ। सो गाइस, अस पुजी गए हैं किश्तवाड़ पुजने ले हैं, ते हुन चाह ले रुके हैं। रिंकू टी स्टॉल है इत्थे इक किश्तवाड़ कशा पहले, उत्थे चाह शाह पीनी असें, ते फ्ही अगे जाना। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय के साथ, मट्ठी के साथ, कैसा है यहाँ का माहौल, कैसा है। बट यहाँ का जो वेदर है वो जम्मू जैसा ही है, गरम, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। सो गैस, यहाँ आ चुकी है हमारी मैगी। इससे पहले हमने जो एक बचपन में मिलता नहीं था इस बाटली में दूध, वो पिया, बहुत अच्छा एंड मिलता था यार, वो निप्पल वाला था। अरे इसमें मिलता था दूध यार दुकानों में, तो अभी मिल रहा है। नहीं, हमें मेरे को बड़ी देर बाद दिखा भाई। तो ये कटरा में कहाँ रहता है? यूएसए कैलिफोर्निया। कटरा में नहीं मिलता भाई, तेरे को अगर कटरा में कहीं मिलेगा मेरे को बता देना। उधमपुर में कहाँ मिलता बता? आया वाओ कैफे पिलाएंगे हैं, मेरे को इसी बॉटल में चाहिए वाओ कैफे में कटरा में। तो गाइस, हम अभी किश्तवाड़ पहुंच गए हैं एंड ये मार्केट से निकल रहे हैं। अभी तेरा दिमाग खराब होगा तो मुंह बंद रखेगा अपना। सो गाइस, हम किश्तवाड़ क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो किश्तवाड़ यहाँ से हम मार्केट क्रॉस करते हुए। तो अच्छा इलाका है। तो अभी ये सुना आपने, इसका ब्लॉग प्रमोट करता हूँ, तूने मेरे बड़े किए जैसे। गाइस, हमने अभी किश्तवाड़ क्रॉस किया है, और यहाँ पे एक जगह थी चौगान करके, बहुत बड़ा ग्राउंड था, मतलब हमें पता नहीं था ग्राउंड। इन्होंने देखा, ये अपने ब्लॉग से डाल देंगे थोड़ा बहुत जो शॉर्ट होंगे। और यहाँ से गुलाबगढ़ 67 किलोमीटर दूर है, 67 किलोमीटर दूर गुलाबगढ़ है। तो टाइम हुआ है 4 बजे, अभी 3:53। तो होप्स हो कि हम 4 बजे तक वहाँ पहुँच ही जाएँ, 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच ही जाएँ। और रास्ता जो डोडा से किश्तवाड़ का था वो बन रहा है, और अच्छा रोड है, बट थोड़ा सा अगर कोई नया ड्राइवर है तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई मत आना। अगर कोई हैवी ड्राइवर है तो आ सकता है, मतलब थोड़ा सा डरावना रोड है यार ये। नीचे चनाव चल रही है, ऊपर तुम चल रहे हो, तो मौत को टक करके वापस आने वाली बात है। सो गाइस, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लिए है किश्तवाड़ सिटी से निकल के। तो ये किश्तवाड़ दूर से दिखता है, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा वो है, डस्टी सा माहौल है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता।
बोलो कुछ। तुझे क्या मतलब प्रॉब्लम है मुझसे कोई? ना यार, फेवरेट ब्लॉगर है। फेवरेट। और गाइस मैं आपको ना एक बहुत अच्छा व्लॉग दिखाऊंगा इस ट्रिप के एंड में, आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। वो ये नहीं है पर वो अभी नहीं है साले, यहाँ से फेंकूंगा नीचे। तेरा कोई पता थोड़ी है, तू कुछ भी डाल सकता है। होटल वेब टुनाइट टेक टाइम टू रिमेंबर देन टुमारो फॉरगेट हीलिंग इज जस्ट। अभी जैसे ये पढ़ रहा है ना, थोड़ी देर में बोलेगा मेरी सेहत हो रही है, मेरे को सीधे जो रही है, मेरे को आगे आने तो मन खराब हो रहा है मेरा। अभी एक बार पता क्या हुआ, अभी तू एक हाथ से गाड़ी चला रहा है यार। Show me the hottest part of you. ये कैंसिल, ये तो पक्का जाएगा। हम कुछ 6:30 बजे के करीब गुलाबगढ़ पहुंच गए थे एंड देन वी वेंट फॉर अ क्विक डिनर, एंड आई एम सेइंग क्विक डिनर नॉट डिनर बिकॉज वी जस्ट वेंट टू ईट समथिंग क्विकली, बिकॉज जो हमने गाड़ी की थी जिसने हमें गुलाबगढ़ से कुंडेल तक ड्रॉप ऑफ करना था, उसमें ऑलरेडी पैसेंजर्स थे, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जो भी आपने खाना खा लो, सो वी वेंट टू ईट सम जंक क्विकली एंड देन वी वेंट ऑन द ट्रिप। सो गाइस ये मेरी शक्ल है इस टाइम पे, मैं सिर्फ ये दिखा सकता हूँ ठीक है, और आगे का रास्ता अब देखो, ये आगे का रास्ता मैं, इट्स टू टफ लेकिन मज़ेदार है। तो मैं तो, अभी रास्ते में बड़ी ज़्यादा, तो अभी हम पहुँचे हैं और रूम लिया है, बहुत मुश्किल से रूम मिला, पहले तो रूम मिल नहीं रहा था। सो ये एक शॉप है यहाँ पे जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड देन भैया हमारे लिए रोटी बना रहे हैं, ये हमारे भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह जी भैया का नाम है, और ये हमारा खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं लकड़ी की चूल पे, मिट्टी की चूल पे खाना बन रहा है हमारा। सो गाइस हमारी, अभी हम दाल भात खा रहे हैं, अंकल ने बड़े टेस्टी बनाए हुए हैं, और लाइट डाला मेरे मुंह पे आ नहीं रही है, हाँ तो ये दाल भात हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो थैंक यू अंकल इतनी अच्छी रोटी खिलाने के लिए मैं रात को। गाइस बात ऐसी है, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हमारा और मज़ेदार रहा, तो प्लान तो हमारा पैराग्लाइडिंग का था और वापस जाने का था, बट इन दोनों के चक्रों में। पर बात ये है कि हम ट्रैवलिंग करते हैं हिप्पी की तरह, हम लग्जरी ट्रैवल नहीं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं यार, इसलिए हम आज तवेले में रुके हुए हैं यहाँ पे, शुक्र है कंबल मिल गए हैं। तवेला नहीं है, इट्स वेरी नाइस प्रॉपर्टी, मचेल जाते हुए पहला गाँव जो आएगा वहाँ पे, और हाँ जो से बोल रहे ना चिशोती, हाँ वही गांव का नाम है कुंडेल, दिस इज कुंडेल होगा फिर, कुंडेल नाम है। ऐसे सुबह से थक गए हैं ड्राइव कर करके, तो अभी नाम वगैरह याद नहीं है, और अंकल भूल जाते हैं क्या? अंकल हमें नीचे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से रोटी खिलाई, उसके बाद ये रूम मिला है, अब रूम का रूम टूर आपको दिखा देते हैं, ये सामने खिड़की है, इसके बाहर पूरा नज़ारा है जो सुबह दिखाएंगे, और ये रूम की हालत है, हम नीचे इस गद्दे के नीचे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये बेस है और इसके ऊपर हम सोए हैं, तो ये एक एक्चुअली ये अभी के लिए ना बड़ा स्ट्रगल वाला दिन है, बस ये सोता है 9 इंच के गद्दे पे। तुम बकवास करते हैं, तो अब यहाँ से कल का प्लान ये है कि हम वहाँ ऊपर जाएंगे, अभी ये सब कह रहे हैं कि जो पानी का फ्लो है जो साथ में ये रिवर कौन सी है, चिनाब नहीं है इतना पता लग गया, जो भी है हाँ, तो इसका फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो बीच में एक ब्रिज आता है जो चिशोती वाला ब्रिज आता है, उसके ऊपर से पानी जाना शुरू हो गया है, तो अब थोड़ा सा उसकी टेंशन हो रही है कि वो रात तक रहेगा नहीं रहेगा। सो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, होप व्लॉग अच्छा लगा है आपको, मेरा भी और रोहन का भी, बिकॉज रोहन ने लाइट डाली है, मैं बोल रहा हूँ तो, और मेरा भी। इस व्लॉग को आप अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज जय माता दी, आपका दिन शुभ रहे। Thank you.